मैं जोगी सर और आप सबका जोगी सर की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत वेलकम है। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और जो इस चैनल में नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ शेयर और लाइक जरूर करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फाइनल के टॉपिक वेक्टर डीएनए। क्या पढ़ने वाले हैं? वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल्स में हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं, पहले इसका सिनॉप्सिस देख लेते हैं, ऊपर क्या देखेंगे। यहाँ सबसे पहले हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन, इसकी परिचय क्या क्या होगा, साथ ही साथ इसके परिचय के साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद हम आएंगे वेक्टर डीएनए एंड इट्स रोल इन जीन ट्रांसफर। तो जो वेक्टर डीएनए है उसका जो जीन ट्रांसफर होता है उसका क्या देखेंगे, हम रोल देखेंगे कैसे होता है उसका, है ना, डायग्राम के से देखेंगे उसको। उसके बाद आएंगे हम कैरेक्टर देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर डीएनए, मतलब डीएनए जो है वेक्टर डीएनए उसका कैरेक्टर क्या क्या है, लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो वेक्टर डीएनए जो होता है वो क्लोनिंग वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही साथ इसको वेक्टर डीएनए भी कहते हैं, साथ ही साथ इसको क्या बोला जाता है, कैरियर ऑफ जीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। नहीं, जीन का क्या बोलते हैं इसको, वाहक बोलते हैं, यानी कि ये क्या करता है, जीन को ले जाने का काम करता है दूसरे जीव में, है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इन बैक्टीरिया में क्या होता है, जो फॉरेजन डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं या डीएनए या जीन होते हैं, है ना, इसमें बैक्टीरिया में जो फॉरेजन डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं, टुकड़ा होता है डीएनए का, या तो फिर जीन होते हैं या डीएनए होती है, ठीक है ना। इसको क्या करता है, अदर ऑर्गेनिज्म के डीएनए में क्या करने का काम करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। और इसी जो अदर जो ऑर्गेनिज्म का डीएनए होता है उसको क्या बोला जाता है, होस्ट सेल के नाम से जाना जाता है। कैसे होता है देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म हम लिए हुए हैं, ये पहला ऑर्गेनिज्म और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म हमारे पास है। और इस ऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं, जीनोम के जो डीएनए या जीन होते हैं, है ना, ये ऑर्गेनिज्म इसके जीनोम के क्या होंगे, डीएनए होंगे या तो फिर क्या होंगे, जीन होंगे, है ना। तो इसी डीएनए या जीन को क्या करता है, ये दूसरे नंबर के जो ऑर्गेनिज्म है उसके जीनोम के डीएनए में, उसके जीनोम में, है ना, डीएनए या जीन को, डीएनए या जीन को क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। इसी को बोला जाता है वेक्टर डीएनए, क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर डीएनए, यानी कि वेक्टर इज ए ट्रैक्टर, है ना। तो ट्रैक्टर भी क्या करता है, किसी भी चीज को, है ना, भारी चीजों को क्या करता है, ले जाने का काम करता है। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, वेक्टर जो होता है किसी चीज को, यानी कि जीन और डीएनए को क्या करता है, ले जाने का काम करता है। ये तो हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन। इसको हम छोटा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ह्यूमन सेल है, ठीक है, ह्यूमन सेल है। तो कोई सेल होता है, सेल के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये सेल के अंदर में क्या हो गया, न्यूक्लियस, ये प्रॉपर हमारा क्या है, सेल है, कोशिका है। सेल के अंदर में क्या होता है, ये न्यूक्लियस है यहाँ पर, और उसी न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, डीएनए का मॉलिक्यूल्स होता है। ये डीएनए यहाँ पर येलो कलर से शो हो रहा है डीएनए, है ना। तो क्या होता है यहाँ पर सेकंड स्टेप में, यहाँ फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या होता है, डीएनए को सेपरेट कर लेते हैं। किसके माध्यम से सेपरेट करते हैं डीएनए को, हम लाइसोसोम एंजाइम के माध्यम से। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में देख लेते हैं, तो डीएनए सेपरेट बाय लाइसोसोम एंजाइम, है ना, डीएनए सेपरेट हो गया है किससे, लाइसोसोम एंजाइम से। और यही लाइसोसोम एंजाइम जो होता है क्या करता है, सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, सेल को नष्ट करने का काम करता है। जब ये लाइसोसोम एंजाइम जो है सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, यहाँ पर ये सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो क्या बच जाएगा, आपका डीएनए बच जाएगा। तो यहाँ पर ये डीएनए निकल गया, सेल डिस्ट्रॉय हो गया। तो तीसरे स्टेप में देखते हैं क्या है, यहाँ पर जीन फ्रेगमेंट सेपरेट बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब यहाँ पर क्या होता है, हम क्या करते हैं, जीन का एक छोटा सा फ्रेगमेंट लेते हैं, है ना, और कैसा फ्रेगमेंट होता है वो, है ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा सेपरेट किया हुआ। मतलब क्या है, अगला स्टेप में जिसका हमको कॉपी तैयार करना होता है, हम उसका एक फ्रेगमेंट तैयार कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ से क्या तैयार करिए, जीन का
फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट क्या आती है किसके द्वारा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, काटने का काम करता है। तो ये जो एंजाइम सेपरेट हुआ है ना, डीएनए सेपरेट हुआ है, उसको क्या कर लेंगे है ना, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के माध्यम से यहाँ से कट करके यहाँ ले लेंगे। तो हम क्या होंगे, यहाँ पर क्या दिखता है हमको, एक जीन का फ्रेगमेंट दिखता है, टुकड़ा दिखता है, जिसको हम सेपरेट किए हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। ये यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमको क्या चाहिए होता है, एक वेक्टर चाहिए होता है ना, वेक्टर। तो यहाँ पर वेक्टर के रूप में किसको लेते हैं, प्लाज्मिड के लेते हैं। तो क्या होता है, एक बैक्टीरियल सेल लेते हैं, बैक्टीरियल सेल से हम क्या करते हैं सेपरेट प्लाज्मिड। ये बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पर इस बैक्टीरियल सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं। तो इसी बैक्टीरियल सेल से क्या करते हैं, हम प्लाज्मिड को क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ये बैक्टीरियल सेल से क्या हो गया, प्लाज्मिड यहाँ पर सेपरेट हो गया, अलग हो गया। और यही प्लाज्मिड जो होता है, क्या होता है, वेक्टर की तरह है ना, वाहक की तरह काम करता है, ये जो प्लाज्मिड है। अब हम क्या करते हैं, जो प्लाज्मिड लिए हुए हैं बैक्टीरियल सेल से है ना, सेपरेट किए हुए हैं, इसको हम क्या करते हैं, कट बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये जो प्लाज्मिड है उसको क्या कर लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम कट कर लिए हैं, देखो यहाँ पर कट कर लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अब क्या होता है, ये जो प्लाज्मिड है, जो कट किए हुए एरिया है वहाँ पर जो क्या है, सेपरेटेड जो क्या है डीएनए का फ्रेगमेंट हो, उसको क्या करते हैं हम यहाँ पर एड करते हैं, यहाँ पर जोड़ते हैं है ना, जो खाली जगह है वहाँ पर, ये जहाँ पर कटिंग एरिया है ना, वहाँ पर जो यहाँ पर जीन का फ्रेगमेंट है उसको क्या करते हैं, यहाँ एड करते हैं। तो आगे देखते हैं, तो क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, एक बैक्टीरियल सेल में इंटर करते हैं। ये बैक्टीरियल सेल है और यहाँ पर क्या मिला हुआ है हमको, ये जीन का फ्रेगमेंट एंटर किए हुए हैं इसमें, ये लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम है, सॉरी प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में हम क्या करते हैं, इस डीएनए को क्या करते हैं, इंटर करते हैं, और इसको हम प्रोटीन क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल में इंटर करते हैं ना, इंटर बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में जब इंटर करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर रिप्लिकेशन होता है। रिप्लिकेशन होता है मतलब इसका क्या होता है, द्विगुणन हो जाता है। द्विगुणन होगा मतलब है ना, इसके बहुत सारे कॉपी हमको दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बैक्टीरियल सेल में इंटर कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रिप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, द्विगुणन होता है, द्विगुणन होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारे इसका क्या मिल जा रहा है, मल्टीपल कॉपी हमको प्राप्त होता है ना। वेक्टर डीएनए एंड इट्स रोल इन जीन ट्रांसफर, वेक्टर डीएनए का रोल होता है जीन ट्रांसफर के लिए, उसको है ना। तो कैसा होता है देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम से बताएंगे इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लेते हैं, हम फेज वेक्टर लेते हैं, और इसी फेज वेक्टर को क्या बोलते हैं, वेक्टर डीएनए के नाम से जानते हैं, वेक्टर डीएनए। इसको ये फेज दो वेक्टर होता है उसी को है ना। तो ये क्या है, वेक्टर डीएनए, डीएनए सब जानते हैं कि डबल स्ट्रैंड होगा, यहाँ पर वेक्टर डीएनए कैसे है, डबल स्ट्रैंड है। और इसमें क्या होता है, अगला स्टेप में देखते हैं, तो ब्रेक रिलीज टू फ्रेगमेंट है ना। यहाँ पर जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यानी कि फेज वेक्टर है, यानी कि वेक्टर डीएनए है, वहाँ पर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। कैसे होता है, यानी कि क्या है, जैसे कि कोई कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर 100 चेयर्स है ना, तो और हमको वहाँ पर 10 चेयर और लाना है, तो उस 10 चेयर को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस 100 चेयर के बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा। तो वैसे ही क्या क्या होता है, यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर कोई फ्रेगमेंट आएगा है ना, फ्रोजन भी आएगा, उसके लिए क्या करता है, ये पहले जगह बनाता है ना, इसलिए क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है जो वेक्टर डीएनए हो, इसलिए फ्रोजन भी का एंट्री होगा। इसलिए अगला स्टेप में जब आते हैं तो क्या होता है, यहाँ ब्रेक हो गया है, अगला स्टेप में ज्वाइन इन टू फ्रोजन डीएनए। तो फ्रोजन भी क्या होता है, डीएनए क्या होता है, यहाँ पर जुड़ जाता है, ज्वाइंट हो जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, काइमेरिक फेज बोलते हैं, काइमेरिक फेज। काइमेरिक फेज क्यों है ना, और इसी काइमेरिक फेज क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉरेजन भी क्या, डीएनए क्या हो गया, जुड़ गया है ना, और इसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से भी जाना जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब कहाँ हो जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ पर एक तो क्या है, वेक्टर डीएनए है ये है ना, ये क्या है, वेक्टर डीएनए है, और इसमें क्या जुड़ गया, ये फॉरेजिक डीएनए जुड़ गया, ये जुड़ गया है ना।
तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। अगर आप स्टेप में देखते हैं तो क्या होता है, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया एंड आइसोलेटेड प्रोगेनी पार्टिकल, तो ये क्या हो जाता है, अगले स्टेप में जाने के लिए क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है, रिप्लिकेशन के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर डीएनए, यानी कि ये लास्ट वाला टॉपिक सिनोप्सिस का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर डीएनए, इसका क्या क्या कैरेक्टर होता है, क्या क्या गुण होता है वेक्टर डीएनए का। तो वेक्टर डीएनए क्या होता है, सबसे पहले इन वेक्टर डीएनए केयर द फ्लोरेसेंट डीएनए सेगमेंट, है ना। तो वेक्टर डीएनए में क्या होता है, फ्लोरेसेंट डीएनए में क्या होते हैं, एक एक्टिसाइड होता है फ्लोरेसेंट डीएनए को जोड़ने के लिए, है ना, वो कैपेसिटी इनके अंदर होना चाहिए। यानी कि क्या हो जाता है, एक वेक्टर डीएनए होता है, उस वेक्टर डीएनए में फ्लोरेसेंट डीएनए को क्या करना है, जोड़ने की कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कि एक्टिव साइड की, है ना, जरूरत होता है, है ना। दूसरा क्या चीज होता है, सेल है, इसमें रिप्लिकेशन होता है, स्वर्णिना की क्षमता होता है, है ना, ये सारे चीज होना चाहिए। उसके अलावा इसमें क्या होता है, इजिली आइसोलेशन होने की कैपेसिटी या गुण होना चाहिए। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ इंटर होस्ट से, यहाँ पर क्या होना चाहिए, होस्ट सेल में इंटर करने की कैपेसिटी होना चाहिए, जो मैं पिछले डायग्राम में बताया था। उसके बाद क्या है, रिप्लिकेशन कैपेसिटी होना चाहिए, इसमें जो इनर होस्ट सेल होता है, है ना, बैक्टीरिया सेल के अंदर में जाएगा इंटर करेगा तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ना, रिप्लिकेशन की कैपेसिटी होना चाहिए। और इसी के कारण से रिप्लिकेशन के कारण क्या होना चाहिए, मल्टीपल कॉपी तैयार किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट।